इतिहास साक्षी है कि अहंकार हमेशा हारता है, चाहे वो इतिहास के पन्नों में अंकित रावण का अहंकार हो या प्रचंड बहुमत का अहंकार लिए मोदी सरकार हो। दिल्ली की सीमाओं पर 378 दिनों से सतत संघर्ष के बाद देश के अन्नदाताओं को मिली विजय, करोड़ों किसानों और खेत मजदूरों को की असली विजय है, प्रजातंत्र की विजय है। किसान आंदोलन ने महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को एक बार फिर चरितार्थ कर दिया कि जनता की असली शक्ति, प्रजातंत्र की असली शक्ति जनता में निहित है। समकालीन विश्व इतिहास में इतना अनुशासित, मर्यादित और संयमित और मुद्दों पर आधारित आंदोलन शायद कभी नहीं देखा। इसके लिए किसान यूनियन के नेताओं को भी हमारी शुभकामनाएं और साधुवाद। आज भारत के प्रजातंत्र ने समूचे विश्व को ये पाठ पढ़ाया है कि अगर मुट्ठी भर पूंजीपतियों के सहयोग से सत्ता हासिल भी कर लें तो भी उसके संचालन के सूत्र देश की जनता के हाथ में ही रहते हैं। मोदी सरकार को सदन की असंवैधानिक मनमानियों को सड़क पर कैसे ठीक किया जाता है, ये देश के किसानों ने कर दिखाया है। आज हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र के एक नए युग की शुरुआत हुई है और मोदी सरकार की हार में ही भारत के प्रजातंत्र की जीत है। पर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, एक बड़े संघर्ष की आज शुरुआत है। ये संघर्ष किस बात का है? ये संघर्ष है किसानों को उपज का केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, लाभकारी मूल्य दिलवाने का। ये संघर्ष है किसानों को 2022 तक आय दुगनी करने के वादे को निभवाने का। साल 2022 में अब केवल 20 दिन रह गए। मोदी जी सत्ता में आए थे और वोट हथियाए थे किसान की आय 2022 तक दुगनी हो जाएगी इस वादे के साथ, पर सरकारी NSO का आंकड़ा कहता है कि किसान की आय घटकर 27 रुपया प्रतिदिन हो गई, जो प्रतिदिन की मनरेगा मजदूरी से भी कम है। इसलिए सवाल तो पूछना ही होगा और संघर्ष तो करना ही होगा। तीसरा, किसान खेत मजदूर को जानलेवा कर्ज मुक्ति के बंधन से आजाद करवाने का। आज जब भारत सरकार का NSO कहता है कि देश के हर किसान पर 74,000 रुपया का औसत कर्ज है और भारत की मोदी सरकार कहती है कि किसान और मजदूर की कर्ज माफी के लिए उसके पास फूटी कोड़ी नहीं, परंतु चंद पूंजीपति मित्रों के कर्ज माफ करने के लिए 7 साल में 10 लाख करोड़ है, तो सवाल तो पूछना ही होगा और संघर्ष का आह्वान भी करना होगा। किसान को 6,000 रुपया प्रति हेक्टेयर का सालाना जुमला तो दिया, परंतु किसान की जेब से 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर सालाना निकाल लिए। किसान के ईंधन डीजल पर जो 3.56 रुपया एक्साइज शुल्क कांग्रेस के शासन में लगता था, आज कम होने के बावजूद भी वो 21.80 रुपया प्रति लीटर है। आज खाद पर 5% GST लगा दिया, कीटनाशक दवाई पर 18% GST लगा दिया, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% GST लगा दिया, तो किसान से न्याय कैसे मिलेगा, कौन देगा और कैसे होगा? ये सवाल और ये संघर्ष के आह्वान करने का तो अभी भी समय बाकी है। और किसानों पर जुल्म ढाने वाले भारत के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टीनी जैसे भाजपाई हुक्मरानों को सजा दिलवाने का संघर्ष। 700 किसानों जो शहीद हुए उनके परिवारों को, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा, कम से कम 25 लाख रुपया मुआवजा दिलवाने का संघर्ष भारत सरकार के द्वारा, प्रांतीय सरकारों के द्वारा नहीं, और उन्हें रोजगार दिलवाने का संघर्ष।
आज साथियों, आज सत्ता की कायरता हारी है और देश के अन्नदाता भाग्य विधाता किसान जीते हैं, पर पूंजीपतियों को पूंजने वाली मोदी सरकार के खिलाफ गरीबों, मजदूरों, किसानों का ये संघर्ष नए तरीके से आगे आने वाले समय में बुलंदी से जारी रहेगा।